भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले। उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता है। देखिए मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी साजिश चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खास कर के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता है। मैं तीन घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। पहली घटना हाथरस, बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर, बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई, वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें, हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ, अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लेनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा, ऐसा भार इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते, और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं। और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है, ये कितना भी कुछ कर लें अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है।